बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं नाश्ते की बची हुई ब्रेड और थोड़ी सी चिकन से बहुत ही मज़ेदार से ये स्नैक, जो कि आप बच्चों के लंच वक्त में भी दे सकते हैं या फिर अगर शाम की चाय के साथ बनाना चाहें तो उसके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर किचन में चलते हैं और ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चिकन पोटैटो टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ये आलू ले लिया, एक बड़े साइज का आलू था। इसको अच्छे तरीके से बॉईल करने के बाद मैस कर लिया था और ये आधे कप के करीब बॉईल की हुई चिकन है। इसको नमक और लहसुन डाल के हमने बॉईल किया था और इसके बिल्कुल बारीक बारीक से छोटे छोटे से ऐसे कर लिए और आधे कप के करीब ये शिमला मिर्च ली है, इसको भी छोटा छोटा सा बारीक सा चॉप कर लिया है। इसके अंदर डालेंगे हम एक अंडा और एक खाने के चम्मच हम ले रहे हैं काली मिर्च और एक खाने के चम्मच ही डालेंगे इसके अंदर ये नमक और ये दो खाने के चम्मच मैदा ले लिया। अब इन तमाम चीजों को कंबाइन कर लेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये चिकन पोटैटो टोस्ट जो हैं। आप इनको बना के फ्रीज भी करके रख सकते हैं, जब आपको सर्व करना हो तब इनको शेलो फ्राई करके सर्व कर सकते हैं, चाहे तो शाम की चाय के साथ या फिर बच्चों के तहफ़ के लिए भी इसको बना के आप फ्रीज करके रख सकते हैं। मटेरियल हमारा रेडी हो चुका है, इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम ले लेते हैं ब्रेड के स्लाइस, अब आपकी मर्जी के ऊपर है। आप अगर मीडियम साइज़ के लेना चाहें तो मीडियम के साइज के ले सकते हैं या फिर अगर लार्ज साइज़ के लेना चाहें तो लार्ज साइज़ के ले सकते हैं। ये लार्ज साइज़ के ले लिए हमने ब्रेड के स्लाइस। अब इनके किनारों को जो है कट कर देते हैं, अलग निकाल देते हैं इनके, और इसके जो किनारे हैं इनको आप ज़ाया नहीं कीजिए। इनके आप ब्रेड क्रम्ब वगैरह बना सकते हैं, इनके साथ से इनको हम कर लेते हैं बिल्कुल चारों तरफ से किनारे से कट कर देते हैं। इस तरह से हम ये ब्रेड के जो जितने भी स्लाइस हैं हमारे पास इनको रेडी कर लेते हैं। स्लाइस हमारा रेडी हो चुका है, अब हमारा ये जो मटेरियल है इसको स्लाइस के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। इस तरह से करके पूरे स्लाइस के ऊपर इसको फैला देना है। पूरे स्लाइस के ऊपर ब्रेड के हमने इसको स्प्रेड कर दिया था, अब इसके हम चार पीस कर लेते हैं। अब आप अगर चाहें तो किसी और शेप में भी इनको काट सकते हैं, हमने इनको स्क्वायर शेप में काटा है। इस तरह से तमाम जो ब्रेड के स्लाइस हैं हमारे पास, इसी तरीके से उनको रेडी कर लेना है। चिकन पोटैटो टोस्ट जो है हमारे रेडी हैं, ऑयल को गर्म करने के लिए रखा हुआ है। अब इनको हम कर लेते हैं शैलो फ्राई। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी रेडी हो रही है और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हैं और चैनल पे आप नए भी हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूला करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ को अपलोड करेंगे वो आपको आसानी देखने को मिल सकेंगी। तो चलिए फिर इनको हम करते हैं फ्राई। ऑयल गर्म हो गया है, अब मीडियम फ्लेम पे इनको शैलो फ्राई कर लेते हैं। जब तक इनके ऊपर दोनों तरफ से गोल्डन कलर नहीं आ जाएगा तीसरे तक हम इनको फ्राई करेंगे। एक तरफ से जब ये इनके ऊपर गोल्डन कलर आ जाएगा तो इनको पलट के और दूसरी तरफ से इनको फ्राई कर लेना है। एक साइड के ऊपर इनके ऊपर देखें गोल्डन कलर आ गया है, इनको पलट देते हैं। इस तरह से इनको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार था हमारे ये एक पोटैटो टोस्ट जो है रेडी हो रहे हैं। शाम की चाय के साथ इनको बनाएं, इनको सर्व करें, इनको एंजॉय करें। शाम की चाय का भी मज़ा दोबारा हो जाएगा इस रेसिपी के साथ। और अगर बच्चों के लंच के लिए बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। इधर जगह बन गई थी तो इधर हम इनको रख देते हैं और इनको फ्राई कर लेते हैं। दोनों साइड से बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं तो अब इनको निकाल लेते हैं। देखें कितना अच्छा सा कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन हो रहे हैं दोनों तरफ से ये, तो हम इनको निकाल रहे हैं। चाहें तो आप इनको टिश्यू के पेपर के ऊपर रख सकते हैं ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह है वो उसके अंदर जज हो जाए। और बहुत ही क्रिस्पी से हमारे ये सैंडविच टोस्ट जो हैं रेडी हो रहे हैं। देखें कितना अच्छा कलर आया इनके ऊपर, बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये एक पोटैटो टोस्ट रेडी हो चुके हैं। केचप के साथ इनको सर्व कर रहे हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए शाम की चाय के साथ या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इसको रेडी कीजिए। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। देखिए जनाब कितने मज़ेदार लग रहे हैं देखने में ये, और केचप के साथ तो इनका मज़ा ही दोबला हो जाएगा।
आप मजीद मजेदार सी रेसिपीज को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर विजिट कीजिए। वहाँ से आपको बहुत ही मजेदार सी यम्मी सी क्रिस्पी सी रेसिपीज देखने को मिल सकेंगी। इस मजेदार सी रेसिपी को ट्राई करें, शाम की चाय के साथ इंजॉय करें। हवा में इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।